हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 5। ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये एक तरफ आपको आईफोन 13 नजर आ रहा है और ये आईफोन 5। ये ऑलमोस्ट 2014 में रिलीज हुआ जो इसका फर्स्ट वर्जन, ये है 5S। आईफोन की जो आपको ये चीज मिलती है सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, ये आप देख सकते हैं कि ये अब है 2022 और ये लॉन्च हुआ 2014 और 15 के दरमियान में। कितने साल, आज से 10 साल पुराना तकरीबन, आज से तकरीबन आपके 8 साल हो चुके हैं। आज के दौर का आप व्हाट्सएप तक जो है वो सिर्फ मतलब कि रन कर सकते हैं, मतलब कि आप उस पर अगर डिटेल आज के दौर के हिसाब से अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है। पर आप ये देखेंगे इसको कंपैटिबल, ये आपका 12 पॉइंट के बाद वैसे सपोर्ट नहीं कर रहा, पर 12 के बाद जो है 12 तक अभी तक इसके बाद इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट जो आ चुकी है वो 12 की आई है, 12.5 समथिंग जो है वो शायद आई है। तो आप ये देखें कि एंड्रॉयड जो होता है, जितने भी एंड्रॉयड आप लेते हैं, आप एंड्रॉयड फॉर एग्जाम्पल आपने एंड्रॉयड खरीदा, आपने 40,000 का ऑलमोस्ट अगर पिछले साल आपने एंड्रॉयड अगर खरीदा था 40,000 से 45,000 का कोई भी अच्छी ब्रांड का, किसी भी चाइनीज ब्रांड का आपने अगर आईफोन और एंड्रॉयड खरीदा है और आप वो बताएं अगर एक साल उसका हो गया उसकी वारंटी में, अगर आपने न्यू परचेज किया है, आप बताएं क्या आपके पास वो एंड्रॉयड फ़ोन वो उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसकी जो फिज़िकल क्वालिटी है वो आपके पास आज भी वैसा ही मौजूद है कि नहीं है, या उसमें कोई चीज़ डैमेज हो चुकी है। मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी आप एंड्रॉयड लेते हैं 40,000 to 50,000 का, मतलब वो भी अच्छी ब्रांड का मतलब चाइनीज का, तो मैक्सिमम जो उसकी एज है ना वो 2 ईयर है। 2 साल के बाद जो है उसकी मेमोरी और उसका जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा आने वाले दौर की नई एप्लीकेशन से। तो इसके मुकाबले में एप्पल आपको लॉन्ग टर्म की जो है मैक्सिमम मिनिमम आपको 5 ईयर की तो सपोर्ट वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसीलिए जो है एप्पल की जो प्राइस है वो आपको प्राइस इसीलिए हाई कॉस्ट देखने में मिलती है। तो लोग कहते हैं कि एप्पल आईफोन लेना जो है वो फजूल है और लोग जो है इतना पैसा ज़ाया करते हैं। तो मैं एक बात में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, अगर आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपने इन्वेस्ट किया है अगले 5 साल के लिए, अगर आप उसका इस्तेमाल मतलब सही तरीके से करते हैं तो वो आप जो है उसको 5 से 8 साल जो है वो उस डिवाइस को चला सकते हैं। तो वो जो आपकी प्राइस है वो आपकी रिकवर हो सकती है, वो प्राइस आपकी पूरी हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड में आईफोन ही जीतता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप अगर आपने कोई एंड्रॉयड लिया था तो वो कितना अर्सा चला। So see you guys in next video. So follow and share this video for so you can also watch my short videos in description or you can go to my YouTube channel and you can also watch this video on other platforms.